हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी ढोकला। पहले हम 2 कप सूजी लेंगे। इसमें 3 कप पानी डालेंगे, 1/2 कप दही डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिला के 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे, 1 टेबलस्पून सरसों डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे और इसको स्प्लटर होने देंगे। एक टीन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर 2 लैडल्स बैटर डालेंगे। अभी पानी गरम करेंगे एक इडली कुकर में और एक स्टैंड डालेंगे। अभी हम स्टैंड के ऊपर वो टीन विद बैटर उसको रखेंगे और ढक के 20 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। अभी ये पक चुका है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसमें रेड चिल्ली पाउडर स्वाद अनुसार डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और जो टेम्परिंग हम लोग बनाए थे उसको अच्छे से डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हमारा सूजी ढोकला एकदम तैयार है। इसको छुरी की मदद से काट देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारा सूजी ढोकला एकदम तैयार। गर्मा गर्म इसको एंजॉय करिए। थैंक यू।